जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल बस अल्लाह का चाल है? शुक्र, जी सर ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? जी सर, अलहमदुल्ला बेहतरीन। और कैसी चल रही क्लासेस आपकी? पिछली क्लास आपने ना कंडक्ट की थी, आप बिजी थे, फिर आपने कहा था नेक्स्ट वीक में करेंगे। जी लास्ट टाइम तो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी थी ना आपको, जी, बिल्कुल। तो आप लोगों की क्लास में एक्चुअली हैं 3-4 स्टूडेंट्स हैं सर। जी सर, मैंने वही आपको उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये रिकॉर्डिंग वाला काम शुरू कर दें, तो क्योंकि क्लास का अक्सर मकसद होता है कि पार्टिसिपेशन तभी होती है जब कोई एक अच्छी क्वांटिटी में लोग हों। सही है। दो तीन लोगों में से अमूमन ऐसा होता है कि हार्डली एक या दो लोग ही क्लास ले रहे होते हैं। ठीक है, सही है। चलें इसका यही करते हैं, रिकॉर्डिंग अभी आज का चलें सेशन 10-15 मिनट का हम कर लेते हैं, जी तो सर, रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा इसकी भी, आज के सेशन की भी। आई डोंट नो कि इस सब्जेक्ट आपने लास्ट सेमेस्टर में भी थे इस क्लास में? मैं रेगुलर हूँ। सारे मेरे असल में पिछले सेमेस्टर में मेरी शादी थी, अच्छा तो उसकी वजह से तब तो सुबह 8 बजे क्लास थी, तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 4 कोर्सेज पढ़ता, तो मैंने एक कोर्स ड्रॉप कर दिया था आपके वाला। ड्रॉप कर दिया, क्योंकि लास्ट क्लास में तुम्हारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, 50-60 स्टूडेंट्स। सर लास्ट में आई थिंक सर 40+ थी शायद। हाँ नहीं, 50 के करीब थे स्टूडेंट। जी सर, वो भी मैं बाकी कोर्सेज मेरे में सर रेगुलर ही है। असल में इस दफा भी मेरे माइंड में नहीं था कि HR ऑफर होगा, तो वो तो लकीली HR ऑफर हुआ, तो फिर मैंने उसको एक कोर्स ड्रॉप कर सेमेस्टर दिया। छोड़ के ऑफर करते हैं? जी सर, आई थिंक सो 1 सेमेस्टर छोड़ के ऑफर करते हैं, लेकिन इस दफा इन्होंने असल में कंजेक्टिव सेमेस्टर में इसको ऑफर कर दिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस क्लास में स्टूडेंट्स बड़े कम हैं, इसका मतलब मोस्टली इसीलिए स्टूडेंट। ना, क्योंकि पिछला बैच अभी आया नहीं है। जी अच्छा अच्छी है, ये सेकंड सेमेस्टर में से पढ़ते हैं आप लोग सब्जेक्ट? सर, 2nd सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो अभी 2nd सेमेस्टर आया नहीं है HR वाला। अच्छा, लेकिन आप लोगों का फायदा हो गया कि आपका 1 सेमेस्टर बच गया। हमारा फायदा भी हो गया, लेकिन खैर वो फिर अगर HR ऑफर ना करते तो फिर कोई अल्टरनेट दे देते हमें। अच्छा, वो ऑल्टरनेट दे देते हैं सब्जेक्ट। जी सर, मेरी एक्चुअली सर इस सेमेस्टर में भी कोर्स ऑफर होने की वजह से मैंने उठा लिया था। मेरी कुछ मसरूफियत काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, मैं मोस्टली ट्रैवलिंग में ही होता हूँ। अच्छा, जॉब की वजह से? थोड़ा अच्छा नहीं, जॉब की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा फैमिली एक इशू चल रहा है, तो ठीक है, उसके लिए फिर मुझे मोस्टली वीकेंड पे, मैं वैसे रहता मैं इस्लामाबाद हूँ, लेकिन गांव मेरा झंग में है फैसलाबाद के पास। तो आप जो है और कितने सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर में आपने लिए हैं? सर मेरे 2 सब्जेक्ट हैं वैसे रेगुलर जो चल रहे थे थीसिस के जो थे, और 1 सब्जेक्ट ही फिर एचआर वाला तीसरा है। अच्छा, बाकी थीसिस है? नहीं, थीसिस वाले 2 सब्जेक्ट बस चल रहे हैं मेरे, मतलब अच्छा थीसिस थीसिस की जगह जगह, दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो चल रहे हैं। अच्छा थीसिस की जगह, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट? एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और एक इंटेलेक्चुअल बिजनेस मैनेजमेंट। इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन, ठीक है। अच्छा एहसन बिलाल भी आ गए हैं, एहसन बिलाल ने भी ज्वाइन कर लिए हैं जी सर, भाइयों? हेलो जी सर, आवाज़ नहीं आप आ रही अस्सलाम आपकी। वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। एहसन कैसे हैं आप? ठीक हैं ठीक ठाक सर, आप सुनाए सर। जी। आप भी लास्ट क्लास में थे हमारे लास्ट सेमेस्टर में? जी सर, लास्ट सेमेस्टर में था सर, आप रिपीट लास्ट कर रहे हैं? सेमेस्टर में नहीं था सर। जी सर, रिपीट कर रहा हूँ, उससे पहले था सर। अच्छा, उससे पहले थे ऑफिस, ठीक है। अच्छा इस जी सर, लास्ट टाइम मैंने आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे थे रिकॉर्डिंग दी जी जनरल, जी सर, जी सर, वो मिल गए थे आप लोगों ने, वो पढ़े हैं जी सर, जी सर, पढ़े सर। सर उसमें आपने? एक क्वेश्चन था सर मेरा, जी, ये तो क्वेश्चन है तो आप कर बताएं। सर ये पर्सनल प्लानिंग की, इसके कुछ समझ नहीं आई थी सर, उसमें था ना सर, पर्सोनल, हाँ पर्सोनल प्लानिंग था, पर्सोनल प्लानिंग, और ठीक जी है। सर पर्सनल प्लानिंग था,
इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा और क्या चीज नहीं क्लियर हुई। इसमें देखें, हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया था दैट वाज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस किया था डिटेल में कि व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स। एक लेक्चर सर मेरा मिस हो गया था, तो वो मैं ये बस इसी वजह से आपको क्लियर नहीं हुआ। ये पर्सनल प्लानिंग जो है दैट इज द सेम एज दैट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। तो इसमें हमने देखना होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कि आपकी जो फ्यूचर नीड्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें दो चीजें हम देखते हैं, एक डिमांड देखते हैं और नीड्स देखते हैं, और दूसरा सप्लाई देखते हैं कि वेदर सी सप्लाई इज अवेलेबल इन द मार्केट और नॉट। ठीक है, और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डिमांड, ये वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने जरूर यूसुफ आपकी और एहसन आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चन लाजमी आएगा, एक असाइनमेंट में आपको दूंगा अभी इस वीक में। ठीक है सर, मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने उसमें कुछ वो पढ़ी थी, टूल्स पढ़े थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़े थे और कुछ हमने क्वालिटेटिव टूल्स पढ़े थे। हमने मार्कोविट्स एनालिसिस पढ़ा था जिसमें हम थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो डिटेल में उसी से रिलेटेड लेक्चर है, पूरा लेक्चर डिटेल में है। तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है दैट इज द सेम एज दैट ऑफ पर्सनल प्लानिंग। हां नहीं तो आ जा, क्लास ले रहा हूं जी। और इसके अलावा ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? यस सर। वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाला लेक्चर आपने देखना है, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सर ये हमारा 6th लेक्चर है, ये 7th है इस वक्त। आई थिंक इट्स 7th लेक्चर, 7th है या 6th है, आई थिंक इट्स 7th है। एक वो दरमियान में आपने 7 होगा सर, 7 मेरा मिस हुआ लेक्चर। हां ये 7 है, 5th आपका मिस हुआ होगा, उसमें हमने आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिस्कस किया। ठीक है सर, अगर हम इस तरह करें कि जितने अब तक लेक्चर्स हुए हैं सारे रिकॉर्डेड हैं हमारे पास। जी जी। एक लेक्चर आपने भेजा था जो भी लास्ट आपने पिछले वीक में भेजे, इससे पिछला जो हमारा लेक्चर जो आपने जी सर, सर ये लेक्चर सारे एक जगह पे कंबाइन कर लेते हैं जी। तो एसन भाई है, कल आएंगे दूसरे साहब भी जी, ये सारे कंबाइन करके फिर इनको गो थ्रू करके मिड हमारा सर 8th में आई थिंक सो होता है, 8th के बाद आई थिंक सेट फॉर यू आना अभी तक अनाउंस नहीं, अभी तक अनाउंस नहीं हुई। अच्छा नहीं, इस दफा मिड भी लेक्चर शायद लेट हो रहा है क्योंकि अब तक मिड हो जाता है 8th लेक्चर में हो जाता है। बहरहाल अभी तक यूनिवर्सिटी ने डेट अनाउंस नहीं किया। मिड होगा या नहीं होगा सर, पहले तो नहीं होता हुआ था सर, लास्ट टाइम हुआ था लास्ट। हाँ नहीं लास्ट टाइम नहीं हुआ था सर, मिड नहीं हुआ था, वही मुझे याद आ गया ना। नहीं हुआ मुझे भी सर याद आ रहा है सर, फाइनल टाइम ऑनलाइन में मिड हमारा था ही नहीं। अच्छा फिर शायद नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो असाइनमेंट्स वगैरह थी, वही असाइनमेंट्स वगैरह थी ऑनलाइन के अंदर। सर हमारा ये था कि 80% जो सारा था आपका वो असाइनमेंट क्विजेस थे प्रेजेंटेशन, और 20% रिमेनिंग जो था वो फाइनल एग्जाम था, 80-20 की रेशियो सेट हुई थी। हाँ ठीक है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसमें अच्छा आज के लेक्चर में मैंने एक ओरल क्विज लेना था, आज ले लें या कल ले लें? सर कल ले लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एक तो दो लोग हैं हम। अच्छा अभी तक मैंने सिर्फ आप लोगों का एक क्विज लिया है, आप लोग जी सर एक क्विज हमारा हुआ था, एक क्विज हुआ एक दिन आपको मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर थोड़ा सा देख लिया करें। जरूर सर आज उसको देख लेते हैं, आज उसको देख लें, कल हम एक 20-25 मिनट का सेशन कर लेंगे, 20 मिनट का जिसमें सिर्फ ओरल क्विज हो, बाकी जो लेक्चर्स हैं अगर आज मैंने सेंड ना किए तो कल लाइव सेशन ले लेंगे, वरना मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज दूंगा। सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज दें और कल इंशाल्लाह फिर 5 बजे 5 से 6 बजे का टाइम रख लेते हैं। चलें ठीक है, तकरीबन रख लेते हैं 6 बजे का टाइम रख लेते हैं जी। एग्जैक्टली क्योंकि 5-6 बजे संडे है, सारे फ्री होंगे। ठीक है
चलिए ठीक है, फिर कल इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आज आप एक दिन तैयारी कर लें, 2 नंबर का क्विज होगा और ओरल क्विज होगा, और जो लास्ट लेक्चर है उसी में जी से सर, जिसकी स्लाइड्स में अभी आपने, ये इसी स्लाइड में था जो आपने लास्ट लेक्चर में ग्रुप में भेजा था। जी स्लाइड्स चेक कर लेंगे, मैंने भेजी थी या नहीं भेजी थी, आई थिंक सर भी भेजी सर थी। मैं जी सर अभी दोबारा चेक कर लूँ। सर सर लास्ट लेक्चर में जी ऐसे दोबारा बताएं, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं हो रही। हेलो जी ऐसे आप बताएं। सर, सर ये लास्ट लेक्चर में से सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये लेक्चर नंबर 8 में से। सर ये फाइनल, उसमें एक चीज थी फाइनल अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यूज सर, सॉरी, उसके बारे में सर, फाइनल अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग द इंटरव्यूज फाइनल अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग, सर लास्ट में से थी सर, लास्ट लास्ट स्लाइड्स में। ये इसी लेक्चर में से जो जिसकी साइट ओपन जी है। सर, जी सर आपने सर जो भेजे हैं सर लास्ट लेक्चर नंबर 8 में। नहीं, लेक्चर नंबर 7 होगा ना, लेक्चर नंबर 6 होगा। ये जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर किए हैं, जी सर लेक्चर नंबर 6 सर। इसमें बताएं मुझे किस जगह पे है ये। सर उसमें बताया हुआ है आपने, ये सर एक सर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज जो होते हैं सर। अच्छा हाँ, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, इसका पूछें आप। उसके बाद सर आपने एक बात की है फाइनल अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग फाइनल अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू सर। नहीं, फाइनल अप्रोच ये कोई टॉपिक तो नहीं है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर नहीं, इंटरव्यू पॉइंट आपने कोई बताया हुआ था, बता रहे थे सर। वर्बली मैंने लेक्चर में बता रहा था। सर आपने, जी सर आप एक बोल रहे थे सर के मतलब के जो मुझे जो सर थोड़ी सी समझ आई थी वो ये थी कि मतलब जो सारी चीजें इकट्ठी करके और उसके बाद जो है हम फाइनल जो उसका रिजल्ट निकालते हैं तो उसको सर मतलब फाइनल अप्रोच नहीं, फाइनल अप्रोच जिसमें आपने गलत सुना, उसमें आपने एक चीज इसमें बताई थी कि मतलब हम स्टार्ट जो वो करते हैं तो वो बॉर्डर बॉर्डर क्वेश्चन से करते हैं ना, मतलब अच्छा कि फाइनल आप अप्रोच, किसी से अगर फाइनल इंटरव्यू ले फाइनल रहे हैं। जी अप्रोच, फाइनल अप्रोच होगी, फाइनल जी अप्रोच होती, फाइनल अप्रोच नहीं, फाइनल अप्रोच सर ऑफ इंटरव्यूइंग। इसमें स्ट्रक्चर्ड फाइनल जी इंटरव्यूज, 2 तरह के सर। इंटरव्यूज होते हैं ना, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं और एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ये होते हैं कि जिसमें हम पहले से तैयारी करके जाते हैं, पहले से क्वेश्चन हमने बनाए होते हैं और वही वाले क्वेश्चन फिर इंटरव्यू से पूछते हैं, यानी पूरी प्लानिंग के साथ हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, प्री प्लान क्वेश्चन हम सर तकरीबन पूछते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हम प्री प्लान क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहते हैं, जैसे जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उसके मुताबिक हम अपनी मर्जी से उस वक्त क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फनल अप्रोच का मतलब ये होता है जब हम इंटरव्यू सर कर रहे हो। जी, सर जैसे ये स्ट्रक्चर इंटरव्यूज है कि अगर इंटरव्यू हमारे पास इन रिटर्न फॉर्म में होते हैं या हमारे माइंड में होते हैं, माइंड में सर सिर्फ हमारे ही होते हैं या मतलब कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसे भी हम बताते हैं सर। नहीं, उसे नहीं बताते हम, जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू कर रहा होता है, वो प्लानिंग के साथ जाता है, वो अपने पास क्वेश्चंस कुछ लिख लेता है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखना तो पॉइंट्स लिख लेता है कि हमने किससे किससे क्वेश्चन करने हैं, और फिर हम उधर जाके वही वाले क्वेश्चन करते हैं, यानी प्री प्लान्ड किस्म का इंटरव्यू इसको हम कहते हैं, जिसकी पहले से हम क्वेश्चन बना के वही क्वेश्चन उससे पूछते हैं। दूसरी तरफ जो होते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज होते हैं, कि जैसे जैसे उसमें ऐसे होते हैं, अगर कोई चीज हमने डिग आउट करनी हो, किसी चीज के बारे में हमने डिस्कस करना हो, तो उसका जैसे जैसे हम चलते हैं और उससे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो जो चीजें हमारे माइंड में आती हैं उसके मुताबिक हम इन्वायरमेंट के मुताबिक पूछते हैं, पहले से प्री प्लान्ड क्वेश्चन नहीं होते हमारे पास,
उनको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। सही, ठीक हो गया। फनल अप्रोच में मैंने जो आपको बताई थी वो ये फनल अप्रोच है, जैसा फनल होती है ना उसकी जो शेप होती है कि शुरू में ब्रॉडर होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो नैरो डाउन हो जाती है। तो यूजुअली जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो उसमें फनल अप्रोच यूज करते हैं, यानी कोई भी अगर हमने क्वेश्चन करना है तो डायरेक्ट स्पेसिफिकली नहीं पूछते, हम जनरल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको नैरो डाउन करते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली बाद बार ट्रेनिंग दी जाती है इंटरव्यूअर्स को, आपने देखा होगा एंकर पर्सन जो होते हैं उनको भी बकायदा ट्रेनिंग होती है कि आपने किस तरीके से पूछना है, क्वेश्चंस करने हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अगर किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना तो जो चीज़ें नहीं भी बतानी होती उन्होंने पॉलिटिशियन ने तो वो भी उनसे उगलवा लेते हैं बातों बातों में, यानी वो जनरल क्वेश्चन से करते हैं और एकदम एकदम वो फिर स्पेसिफिक की तरफ आ जाते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कंपनी से डायरेक्टली पूछते हैं कि व्हाट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट ईयर, अब ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है या कॉन्फिडेंशियल सॉर्ट ऑफ, वो हो सकता है आपको ना बताए, लेकिन हम जनरल चीजें पूछें और जनरल चीजों से के बाद जाके थोड़ा सा आइडिया लें अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो शायद थोड़ा सा आपको रिवील हो जाए कि व्हाट इज दी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं फनल अप्रोच, कि हम जनरल से स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ फिर आते हैं। अच्छा सर, उसमें हमारे पास एक और थी लास्ट में ही थी सर, FRACT जी, ये मैं लास्ट में सर एक डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस, एक डिसिप्लिन एंड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है HRM का, कि आपने डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करना है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज की ग्रीवेंसीज को किस तरीके से हैंडल करना है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द डिफरेंट प्रोसीजर्स बीइंग अडॉप्टेड फॉर हैंडलिंग द ग्रीवेंसीज ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके स्टेप बताए हुए हैं, मल्टी स्टेप प्रोसीजर फॉर असेसिंग द नीड फॉर द डिसिप्लिन, यानी आप उसको पहले फैक्ट्स को फाइंड आउट करें, ठीक है। एफ इज फॉर फैक्ट्स, यू विल हैव टू कलेक्ट द फैक्ट्स, यू विल हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, देन यू विल फाइंड द रीजन, उसमें रीजनिंग फाइंड करें कि व्हाट आर द रीजंस, यानी अगर उसकी कोई ग्रीवेंस है तो उसकी उस ग्रीवेंस के बिहाइंड क्या रीजन है वो हम करते हैं। उसके बाद हम रिकॉर्ड्स का ऑडिट करते हैं कि वेदर उसकी जेन्युइन है उसकी जो ग्रीवेंस है, या उसके कोई वाकई ज्यादती हुई है या कोई और मसला है, उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, उसका बकायदा ऑडिट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं रिकॉर्ड को, पिन पॉइंट कंसिक्वेंसेज, और उसके बाद हम कंसिक्वेंसेज देखते हैं कि उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्रैक्शन। उसके बाद हम जो है उसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको स्लो डाउन कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसका कोई रेमिडी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर हैंडलिंग दैट ग्रीवेंस, ठीक है। ग्रीवेंस के ये एक जनरल क्राइटेरिया बताया हुआ है इन ऑर्डर टू यू नो डिसिप्लिन या ग्रीवेंस को किस तरीके से हमने हैंडल करना है, तो ये फ्रैक्ट मॉडल है, किसी ऑथर ने बनाया तो वो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सर एक और सर लास्ट क्वेश्चन था सर, उस सर आप ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने एक टर्म यूज की थी सर, स्ट्रेटेजिक फिट। जी स्ट्रेटेजिक फिट, तो उसमें सर मतलब के हाँ जी, उसमें मतलब आपने बताया कि साइन एनर्जी बिटवीन ह्यूमन फंक्शन एंड डिफरेंट मिशन एंड मतलब इसकी सर थोड़ा सा जी ये मैं बता रहा था। देखिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल होता है उसमें जो चीज़ें सब चीज़ें जो होती हैं उसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस हमने शुरू में शायद एक दो लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके बाद उसमें विजन मिशन और ये सारी चीज़ें आती हैं और सारे पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। अब होता ही है कि हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो जाहिर है वो इन लाइन होनी चाहिए आपके विजन के साथ, मिशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर उसके साथ उसका क्लैश आएगा तो डेट विल नॉट बी गुड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी जब हम वो बनाते हैं तो उनको इन लाइन होना चाहिए विद द विजन एंड द मिशन और बाकी सब चीज़ों के साथ, रूल्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ। तो इसको हम कहते हैं, ये होता है वर्टिकल फिट, यानी इसका जो विजन एक अपर मैनेजमेंट बनाती है ना उसका विजन, तो ह्यूमन रिसोर्स का उस हायरार्की में अपर लेवल में जो विजन है, मिशन है, या लो लेवल पे आपके रूल्स हैं,
उनके साथ किसी किस्म का क्लैश नहीं आना चाहिए, वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उसमें एक किस्म की साइनर्जी होनी चाहिए। इसको कहते हैं वर्टिकल फिट, यानी वर्टिकली आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसकी जो पॉलिसीज हैं दैट सपोर्ट ईच अदर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजन मिशन और उसके जो डिफरेंट रूल्स हैं या और दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं। और एक होता है इसको कहते हैं वर्टिकल फिट, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिट। हॉरिजॉन्टली जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक सेम लेवल पे, लाइक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, या टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो ये एक ही लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, ये डिविजन्स हैं, तो इनकी पॉलिसीज के आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिट। ठीक है, यानी कोई ऐसी हम ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसका क्लैश हो अकाउंट्स वालों के साथ। अगर क्लैश आएगा तो अगेन दैट इज नॉट देयर, उसमें सिनर्जी नहीं होगी, तो वो सबके लिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए तो बेहतर होगी, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी किसी किस्म का क्लैश नहीं होना चाहिए, तो दैट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल फिट। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं दैट इज द स्ट्रेटेजिक फिट, यानी इट इंक्लूड्स बोथ द हॉरिजॉन्टल फिट, यानी विजन मिशन वगैरह के साथ क्लैश नहीं आना चाहिए, एंड हॉरिजॉन्टल फिट आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी किसी किस्म का क्लैश नहीं आना चाहिए जो ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसीजर्स हैं। सही है। अच्छा सर, एक और ध्यान में आ रहा है सर, उसमें था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में सर आपने मतलब बताया था कि जो हम मतलब के जो न्यू एम्प्लॉय करते हैं, हम हायर करते हैं मतलब रिक्वायरमेंट के बाद, बाकी सारे प्रोसेस इंटरव्यूज हायरिंग वगैरह सारा कुछ करके, तो उसे मतलब ट्रेनिंग जो हम देते हैं, तो एक सर वो भी ट्रेनिंग में ही आएगा सर, मतलब के जो न्यू एम्प्लॉयज हमारे आ रहे हैं। एक तो आपने सर एक बात की थी कि जो हमारे करंट एम्प्लॉय हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस को मतलब बेटर करने के लिए जो दी जाती हैं, तो वो भी सर ट्रेनिंग में आती हैं, तो okay. जो हमारे सर न्यू एम्प्लॉय होंगे सर उनके लिए भी वही ट्रेनिंग में ही आएगी वो? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है साइनोनिम्स भी एज अ साइनोनिम यूज हो सकते हैं, इसको हम इकट्ठा यूज करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको टेक्निकल डिफरेंस बताया था कि ट्रेनिंग हम देते हैं कि वैसे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ही होती है ना, कोई एक कोर्स होता है उसी को हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, उसी को हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट पर, लेकिन टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है। आफ्टर डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप अपनी करंट जॉब पे ही काम कर रहे हैं तो आपको अगर कोई थोड़ी सी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट जॉब को ही परफॉर्म करने के लिए उन्होंने दी है, तो दैट विल बी टेक्निकली ट्रेनिंग। लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद अगर आपको कोई हायर जॉब दे दी है, कोई हायर लेवल पे आपको मूव कर दी है, तो इसका मतलब वो आपकी डेवलपमेंट में आ जाएगा, वही ट्रेनिंग, उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। ओके, जो आप कर रहे हैं कि फ्रेश जो कैंडिडेट्स आते हैं, तो क्योंकि उनको हमने इंडक्ट किया है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब का करने के लिए हम उनको जो वो कोर्स करवा रहे हैं या जो इनिशियल हम ओरिएंटेशन टाइप की दे रहे हैं, तो दैट विल बी आई थिंक दैट शुड बी कॉल्ड एज ट्रेनिंग, वो भी ट्रेनिंग ही होगी, क्योंकि जिस जॉब के लिए वो अपॉइंटमेंट हुई है उसी को परफॉर्म करने के लिए उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रेनिंग ही कहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। और एनीथिंग एल्स? Anything else or no sir? Thank you sir. ये स्लाइड आपने जो शेयर की है ये मॉडलिंग पे है? ये मॉडलिंग ग्रुप में भी आप सर ने लेक्चर दिए हुए हैं ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में YouTube लेक्चर्स है ना, तो ये स्लाइड जो है ये मॉडलिंग में मैंने अगर शेयर में चेक कर लेता हूँ, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। अगर आप ये ग्रुप में शेयर कर दो तो आसानी हो जाएगी। जनरली सारे हमने ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन को जनरली डिस्कस किया हुआ है, इनमें से जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनको हम डिटेल में डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक या दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स एनवायरमेंट डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा लीडरशिप है और एक दो और जो कंपनसेशन है, स्ट्रेटेजी कंपनसेशन, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर, ये मॉडलम में मैं शेयर कर देता हूँ। तो आज के लिए मैं कल वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अख्तर साहब भी किसी में उसमें बिजी हैं, शायद शादी पे गए हैं, तो कल हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, एक 15 मिनट का वाइवा। अगर मैंने लेक्चर रिकॉर्डेड भेज दिए, आई विल ट्राई टू सेंड यू द रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर ना भेजे तो हम थोड़ा सा सेशन उसका कंटिन्यू कर लेंगे कल। ठीक हो गया सर, बेहतर हो गया। लेकिन जो क्विजेज होते हैं या जो असाइनमेंट्स होती हैं वो अपने साथ साथ चलना है, ताकि एंड में आपको ग्रेडिंग का प्रॉब्लम ना हो। बेहतर हो गया सर। सर आगे कोई असाइनमेंट वगैरह है सर आप कोई दे? जी, हो सकता है मैं आपको इस वीक में आज या कल एक असाइनमेंट दूं।
वो एक आध वीक जी सर, फिर सर मोहल्ले पे ही सर हम देखे हैं सर, या ग्रुप में आ जाएगा सर? ठीक जी, ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा, मोहल्ला में दो तीन जगह मैं भेज देता हूँ आपको, मोहल्ला ठीक भी भेज दूंगा और उसमें भी भेज दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के सेशन को अपने वाइंड अप कर देते हैं ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।